लोग किस तरह अपने ऊपर ही जुल्म कर रहे हैं ये तो आपने देख लिया, लेकिन हम आपको बता दें कि डॉक्टर्स भक्तों की ऐसी आस्था को बेहद खतरनाक मानते हैं। उनका कहना है कि ऐसा करने से लोगों को कई तरह के संक्रमण हो सकते हैं। तस्वीर नंबर एक, तस्वीर नंबर दो, तस्वीर नंबर तीन, तस्वीर नंबर चार, ऐसी ही कई तस्वीरें और भी हैं जिन्हें देख लोगों के मोती सागर पारा में रोंगटे खड़े हो गए। कई लोगों का दिल दहल गया, लेकिन भले लोगों की हालत खराब हो गई हो मगर उन पर कोई फर्क नहीं पड़ा जो अपने आप को इस तरह से कष्ट दे रहे थे। शरीर में तलवारें लगवाने वाले व्यक्ति का कहना है कि उसे भी दर्द का कोई खास एहसास नहीं हुआ। से कुछ नहीं होता, उतना नहीं निकलता, खून ही नहीं निकलता। फट से पहले नालेगा, जो अच्छा डालेगा तो खून ही नहीं निकलेगा। निकालने के बाद वो कुछ इलाज नहीं करवाते, बस हफ्ता भर में वो ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। बड़े तो बड़े, छोटे बच्चों को भी नहीं बख्शा गया। किसी के गाल छेदे गए तो किसी की पीठ में सुई चलाई गई। डर नहीं लगा? कार्यक्रम से जुड़े लोगों का कहना है कि पहले भक्त देवी से मन्नत मांगते हैं और फिर मन्नत पूरी हो जाने पर उनके सामने अपने आप को कष्ट देते हैं। साथ में इस तरीके की पूजा होती है, जो लोग मन्नत मांगे रहते हैं कि अगर हमारे दुखों को, जिसकी भी कोई भी दुख तकलीफ है उसे अगर माँ हर लेती है तो हम ये अपने को तकलीफ दे करके हम माँ को खुश करेंगे। माँ के नाम से हम गाल में त्रिशूल डालेंगे या जीभ में त्रिशूल डालेंगे। ये लोग भले जो भी कहें लेकिन डॉक्टर शरीर को इस तरह से कष्ट देने को बेहद खतरनाक मानते हैं। उनका कहना है कि पूजा पाठ की बात तो ठीक है लेकिन ऐसा करने से शरीर में कई परेशानियां पैदा हो सकती हैं। देवेंद्र गुप्ता, सहारा समय, कोरबा।